Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पुलिस की पकड़ धकड़, इंतजामिया की कोशिश सब नाकाम। इस्लामाबाद की कायद आजम यूनिवर्सिटी में एक बार फिर तदरीसी अमल मुतासर। यूनिवर्सिटी में तलबा का एहतजाज, नारेबाजी, हालात कशीदा हो गए। पुलिस और एलीट फोर्स की भारी नफरी, यूनिवर्सिटी में 70 से ज्यादा तलबा गिरफ्तार। पहले नवाज शरीफ को एनआर मुशर्रफ ने दिया, फिर जरदारी को दिया और आप शहबाज शरीफ एनआरओ की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हुदैबा पेपर मिल पे उनका नाम है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को एनआरओ दिया गया। अब शहबाज शरीफ एनआरओ हासिल करना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आवाम को सड़कों पर लाऊंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ऐलान, कहा मुकमका करने वालों की पार्टनरशिप कामयाब नहीं होने देंगे। सियासत को जाती एजेंडे की तकमील का जरिया बनाने वालों के अजाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। वजीर आला शहबाज शरीफ का बयान, कहा जाती मफादात की सियासत करने वालों का अवाम मुहासिबा करे। क्या शहबाज शरीफ 111 ब्रिगेड के कमांडर हैं? किसी ब्रिगेडियर नहीं। नवाज शरीफ के भाई को पार्टी टेक ओवर करने का कहा। वफाकी वजीर रियाज पीरजादा का वीडियो पैगाम में मुखालफीन को जवाब, कहा बयान देने पर पार्टी के जूनियर रहनुमाओं को मिर्चें लग गईं। जूनियर मेंबरान को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। ये जो मुकदमा है अमली तौर के ऊपर खत्म हो गया है, इमरान खान साहब वाला और अकरम शेख के पास और जो पीएमएलएन है उनके पास कोई अब तो बात करने को ही नहीं रह गई। और देखते हैं कि अगले दो दिन के बाद जब ये आते हैं, अब से ये सिर्फ केस लंबा करना चाहते हैं। नवाज शरीफ की तरह इमरान खान नाअहल हो, किसी की ख्वाहिश पर फैसले नहीं करती। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान के खिलाफ केस खत्म हो चुका, अकरम शेख केस को तूल देना चाहते हैं। इमरान खान के खिलाफ केस तकनीनी तौर पर मुकम्मल हो चुका। इमरान खान ने अकाउंट से जमायमा को रकम की मुंतकली का एतराफ भी किया। दानियाल अजीज का कप्तान पर लफ्जी वार, हनीफ अब्बासी बोले इमरान खान और जहांगीर तरीन बार बार मौकिफ तब्दील कर रहे हैं, कौम को बताना चाहते हैं कि इमरान खान छूटा है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की मुश्किलात बढ़ गई। नैब ने इसहाक डार के तमाम असासे मुंजमद कर दिए। मनकूला और गैर मनकूला असासे मुंजमद करने की रिपोर्ट भी एहतसाब अदालत में जमा करा दी। अदालत नैब रिपोर्ट पर समाअत करेगी। एहतसाब अदालत में ख्वाजा हारिस और नैब प्रोसिक्यूटर में तल्ख कलामी, चार बार एक ही सफे का पूछा गया। नैब प्रोसिक्यूटर के रिमार्क्स, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, ख्वाजा हारिस का जवाब, अल्लाह करे आपको कच के रिमार्क्स। नए प्रोसिक्यूटर बोले हरासा करने वाला माहौल ना बनाएं। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, आप हेडलाइंस बनवाना चाहते हैं तो अदालत से बाहर चले जाएं। एहतसाब अदालतों ने मजीद दो गवाहों को तलब करके समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी। समझता हूँ वो अपनी साख को मुतासर कर रहे हैं। अगर वो इस ओहदे को चिपके रहेंगे, उनकी जात का भी और महकमा खजाने का नुकसान हो रहा है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने इसहाक डार को मुस्ताफी होने का मशवरा दे दिया। कहते हैं नैब रेफरेंसेस से इसहाक डार और वजारत दोनों को नुकसान हो रहा है, उन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुकमुका का खदशा भी जाहिर किया। दरख्वास्त गुजार ने मौकिफ तब्दीली की दरख्वास्त पर एतराज उठाया, चाहते हैं फरीकैन को मौका मिले और सच सामने आए। चीफ जस्टिस के इमरान खान ने कहा नईम बुखारी साहब, आप बहुत जल्दी जल्दी दलाइल दे जाते हैं, हमें भी बहुत सी चीजों को समझना होता है, समाअत कल तक मुलतवी।
टक्कर के सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स ने अपेंडिक्स के ऑपरेशन में मरीज की खुराक की आंत निकाल दी। चार डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा। अदालती हुक्म के खिलाफ डॉक्टर्स की हड़ताल। एमरजेंसी बंद होने से एक खातून जान बचा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के भी खुल गई। सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान। जच्चा और बच्चा की शराय अम्बात में रिकॉर्ड इजाफा। छह माह के दौरान सरकारी अस्पतालों में 6,319 बच्चे जाँ भाग हुए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम की इंकशाफ। मिट्टी में गजाई किल्लत और वबाई अमराज जाने निकलने लगे। मजीद दो बच्चे दम तोड़ गए। रवामा हलाकतों की तादाद 26 हो गई। बाजोड़ एजेंसी के इलाके खार बाजार में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबने से 7 अफराद जाँ भाग। 6 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ भाग अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल। लाहौर की तरह डॉल्फिन फोर्स बहावलपुर में भी फराइज की अंजाम दही के लिए तैयार। जवान शहरियों के जानो माल की हिफाजत और स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने में किरदार अदा करेंगे। अमरीकी इतिहादी फोर्सेज ने शामी शहर रुका को बमबारी करके सफाई हस्ती से मिटा दिया। रूसी वजारत दिफा का इल्जाम। कहा रुका शहर की खंडरात तबाही की याद दिलाते हैं। जापानी वज़ीर आज़म शिंज़ो एबे की पार्टी आम इंतखाबात जीत गई। शिंज़ो एबे कहते हैं आवाम उनकी पॉलिसी से मुतमईन और आइंदा भी मुल्क का वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। समंदरी तूफान लैंड जापान के जुनूब मगरबी साहिल से टकरा गया। तेज हवाओं और तूफानी बारिशों से निजाम जिंदगी मफलूज। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक, कई जख्मी। ट्रेन और फेरी सर्विसेज समेत 300 से जायद परवाजें मंसूख। गैस साहिलों पर तामीराती काम और तापकारी से कीमियाई तब्दीलियां। समंदर का पानी तेजी से तेजाब ज्यादा होने लगा। जर्मन साइंसदानों ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा आबी हयात की जान को खतरा है। १९१२ में डूबने वाले बरतानवी जहाज टाइटैनिक की बाकियात आज भी मौजूद। जहाज के मुसाफिर का तारीखी खत रिकॉर्ड कीमत में नीलाम। अमरीकी बिजनेसमैन हादसे में जिंदगी की बाजी हार गया लेकिन किताब में रखा खत महफूज रहा।